भिक्षाम देवी, भिक्षाम देवी, प्रणाम गुरुवर, कल्याण हो देवी। हम तुम्हारी कुटिया को देखकर इस आशा से आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। अभी आपके लिए अभी मुझे गुरुवर, रुको, हम यात्रा से बहुत थके हुए हैं, हमें तभी विश्राम की भी जरूरत है। क्षमा करें गुरुवर, क्षमा करें गुरुवर, मेरे पति राम इस वक्त कुटिया में नहीं है, मैं आपका स्वागत नहीं कर सकता। ले आओ देवी, मुझे क्षमा करें गुरुवर, आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, भोजन लेना पड़ेगा। हम यात्रा से बहुत थके हुए हैं और अब हमने आसन जमा लिया है, हमसे बार बार खड़ा नहीं हुआ जाएगा। मुझे क्षमा करें गुरुवर, मेरे देवर जी लक्ष्मण एक सीमा की रेखा खींच कर गए हैं और शब्द देकर गए हैं कि सीमा की रेखा को पार ना। बस तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो, पहले तो हमें कुटिया के अंदर आने से मना कर दिया और अब दूसरे भोजन पर उतर रही हो। तुमने हमें क्या नीच जाति वाले लोगों की तरफ समझ रखा है। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि वही सोन ब्रिक भर अपने सिंगों से तुम्हारे पति का। मैं वही आती हूँ। तुम जैसे स्त्री के आसमुख देखे नहीं जाते, हम तुम्हारे पति को माफ करते हैं। तुम वैसे हो कौन? मैं महाराज कुलबीर सिंह की, मैं मुंडेला सिंह महाराज कुलबीर सिंह की पुत्री हूँ। क्या महाराज कुलबीर सिंह की पुत्री हो तुम? और इस अवस्था में तुम्हें तो किसी महलों में होना चाहिए था और तुम्हारा तो कोई पति त्रिलोक ही होना चाहिए था। मेरे लिए तो राम ही है, राम ही राजा है। तुम्हारा पति तो वो होना चाहिए था जिसके सामने जिससे सब लोग डरते हैं और वो भी देवता भी, जिसके सामने वायु भी सांस नहीं ले सकती, वो त्रिलोकी भी विजय रावण। एक बार स्त्री अगर अपनी मर्यादा की रेखा को पार कर लेते तो वापस उसके अंदर नहीं जा सकती।